मेरे नाल आलाप करना। कल तो सवेरे करके गुरुद्वारे आ, और करना अमृत वेले। अमृत वेले तो मराज सूरज निकलन तो पहले पहले। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने, हर अमृत वेले वत्ते का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। एने ही बरकत है, व्यर्थ नहीं जाएगी गालना, एक तिल नहीं बनेगा, एक गालना व्यर्थ नहीं जाएगी। बदकिस्मती कोई करदा नहीं। हर घर में किचन है, रसोई है, जिथे भोजन बनता है, कम से कम 4 फुट जगह से हर घर में ऐसी होनी चाहिए जिथे बैठ के रोज जप करिए। अगर करते रहे यकीन जानो वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी, कोई दुष्ट भी आके उठे बैठेगा उसकी जबान तो वाहिगुरु निकल जाएगा। और घर दिया लहर वाइब्रेशन कितनी पावन से पवित्र हो जाएगी। सिर्फ 5 दफा मैं उच्चारण करूं, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। यही श्रेष्ठ धर्म है ते यही निर्मल कर्म है। ये सारी कथा कहानियां इस वास्ते ने, ये निर्मल धर्म जो निर्मल कर्म पे खड़ा है, इस तो इलावा जो कुछ कीता जा रहा है जप नहीं है ते उस विच मन ना होवे तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कर्म धर्म पाखंड जो दीजे। जो दिखाई दे रहा है धर्म है, महाराज कहते हैं पखंड है, दिखाई तो दे रहा है, धार्मिक कर्म कर रहा है, मन उसका उद्दे है नहीं, पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे तिन जम जागा ती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, नेमक सिमरत जित सूठे, सगल धर्म में